समेरी एक ऐसा रहता है जो आपको फिक्स रहता है इंग्लिश में, समझे, फिक्स रहता है कि यही समेरी आएगा। देखिए जैसे देख लीजिए, विथ प्रूफ दिखा रहे हैं, 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से है क्वेश्चन, जिसमें आपको देखिए समेरी जो पूछा गया है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे ताकि आप देख सकते हैं कि पिछले साल हम दिए हुए थे कितना है समेरी। बोलता है दो को एक, तीन को पूछता है प्रोज से, तीन को पूछता है पोइट्री से, समझे ना। तो पोइट्री में हम दिए थे ओ टू ऑटम, हाँ 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 में पूछा गया था, माई ग्रैंड मदर हॉर्स स्नेक और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बोले थे याद करने के लिए। अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहला पूछ दिया है, ठीक है, दूसरा स्नेक और माई ग्रैंड मदर हाउस। देखिए मतलब तीन के तीन आपको पूछा है, चार को दिए थे, तीनों का तीनों पूछा हुआ था। विथ प्रूफ डिस्क्रिप्शन लिख दे देंगे ताकि आपको डेट लिख देख दे लीजिएगा कि नहीं उस दिन अपलोडेड है वीडियो, ठीक। तो देखिए तीन के तीन पूछा हुआ है, चार दिए थे जिसमें तीन पूछा है। फिर देखिए आपको प्रोज, प्रोज में देखिए उसी तरीके से पहला है हाउ फ्री इज द प्रेस द अर्थ भारत इज महो, तीन को पूछा गया है। अब देखिए अब दिए क्या क्या, हाउ फ्री इज द प्रेस दिए है, भारत इज महो, मतलब कि चार को में से दो को देखिए 100% पूछ दिया है, लेकिन आपको लेकिन द अर्थ तीनों पूछ दिया है। देखिए लेकिन आपको करना क्या बाबू, देखिए हम बोले हुए थे कि आपको तीन को बोलता है इसमें से बनाने के लिए 15 नंबर का, तो पांच को तो ई बना लीजिएगा आपको मिलान करने वाला, अब पांच को क्या करने वाला, मतलब एक पोइट्री से पूछता है, कविता से, एक प्रोज से पूछता है, तो 10 नंबर की दर्ज हो गया। पांच नंबर में आपको या तो आपको प्रोज वाला होगा या तो पोएम वाला, आप एगो दोनों में से लिखिएगा, जो कि 100% कंफर्म रहता है कि दोनों आएगा ही, दोनों आपको याद है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन जो अभी हम इंपॉर्टेंट आपको देंगे इस साल, देखिए उसमें से कोशिश करिएगा पोएम याद है तो पूरा तो वो लिख देंगे, या प्रोज वाला याद है समेरी तो ये लिख देंगे, दोनों में से एक लिखना है, ठीक, दोनों में से क्या लिखना है, एक लिखना है, ठीक। आप देखिए आपको दे रहे प्रोज से आपको क्या कितना सिर्फ और सिर्फ करना है वो देख लीजिए, प्रोज से बात करें, प्रोज से द आर्टिस्ट देख लीजिएगा, तीनों देंगे इसमें से, ठीक। देखिए चाइल्ड इज बॉर्न आइडिया थ्रू अ ट्रेवलर है, मतलब द आर्टिस्ट में क्या है 2014 में पूछा गया, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, ठीक। तो ये आपको देख लीजिए 110% 24 में पूछेगा द आर्टिस्ट, क्योंकि समीरी फिक्स रहता है, ये देख लेंगे पूरा पूरा लेंगे। फिर आता है ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाँ जर्मन ग्रीन के द्वारा जो लिखा गया है वो 2015, 16, 18, 22 में पूछा गया, तो 24 में पूछेगा ही, ठीक, अ चाइल्ड इज बॉर्न। फिर देखिए आपको दो तीन क्वेश्चन इंग्लिश में आपको फिक्स रहता है, एक तो मिलान करने वाला और एक समेरी, मतलब 15 में 15 नंबर फिक्स रहता है आपको, ठीक। तो ये देखिए फिर आता है आइडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइड 2019 में पूछा गया, 20, 22, मतलब ये दोनों तो याद ही रहना चाहिए, एकदम रटा ही रहना चाहिए। प्रोज से बात करें द आर्टिस्ट चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक, एक बार आ जाए तो आपको सोचना नहीं पड़े, इस तरीके से याद रहना चाहिए। फिर आपको अगर मान लीजिए प्रोज को किसी को पढ़ने में नहीं अच्छा लगता या फिर याद नहीं रहता है तो प्रोज का हम याद करेंगे, ठीक है, तो प्रोज नहीं याद करें। अब आते हैं पोएट्री से, कि पोएट्री में आसान रहता है, कम कम शब्द में रहता है, आपको याद करने में बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही आसान रहता है पोएट्री में, एक पेज पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, तो पोएट्री में याद करने में बहुत आसान रहता है। जिसे पहला है फायर हिम्न 2012 में पूछा गया है, 14 में 16 में 18 में 20 में 22 में, तो 110% क्या हो जाएगा, 24 में इसको रिपीट करेगा, ठीक, फिक्स रहता है 24 से। तो फायर हिम्न भी याद है, एक पोइट्री याद कर लेंगे, स्नेक याद है तो 2011 में देखिए पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में 23 में पूछा गया, तो ये देख लेंगे। ओड टू ऑटम है एक 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 मतलब रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। अगर ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, मतलब फायर हिम तो रटा रहना चाहिए, ठीक, एकदम रटा रहना चाहिए फायर हिम, स्नेक रटा रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कुछ देखना चाहते हैं तो ओड टू ऑटम जरूर देख लीजिएगा, अगर देखना देखने का मन है तो ओड टू ऑटम देख लीजिएगा, लेकिन फायर हिम और स्नेक ये आपको रटा रहना चाहिए 110%, ताकि पूछे तो आपको सोचना नहीं पड़े, बोलेगा कि यही लिखेंगे फायर हिम लिखेंगे आप, ठीक, ये देख लीजिएगा आपको। तो दोनों के दोनों आप देख लीजिएगा और कोशिश करिए कि दोनों मिलान कर लेंगे, एगो में आपको प्रोज से याद है तो प्रोज से, या पोइट्री से याद है तो कविता से हम लिख देंगे समेरी, तक 15-15 नंबर लाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैसेज करिए। चलिए जय मिथिला।